Next question is, now Amina the old woman has become Amina the child. What does this means? इसका क्या मतलब है जो अभी अभी हम लोगों ने लाइन पढ़ी है. Amina started crying because she was deeply touched by the selfless love of her grandson. So she is called a child. Number 8, here are some words that describe a person. Pick out that one that you think best describe Hamid. अब ये कुछ words आपके पास हैं, उनमें से आपने pick करने हैं कि Hamid को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से explain क्या कर रहे हैं. और फिर वो words आपने उनकी reason बतानी है कि आपने ये words क्यों choose किए हैं. Hamid was, इसमें देख लें, friendly है, caring, thoughtful, mature, loving, selfish, selfless, greedy, jealous and generous. तो इसमें जो है वो thoughtful है जो मुझे लगा और मैंने लिखा, ठीक है. Loving, caring, as he was concerned about his grandmother's hand getting burned. He was selfless and generous as he didn't buy anything for himself but bought a pair of tongs for his grandmother. He was mature because though he was young, he didn't get tempted to buy anything for himself while his friend bought toys for themselves. Thoughtful, loving और caring क्यों लगा? क्योंकि उसने अपनी ग्रैनी के जो हाथ वो हमेशा बर्न हो जाते थे उनके, उनकी फिक्र की, ठीक है, उनके कंसर्न किया और वो पेयर ऑफ टोंग ले आया. और सेल्फलेस एंड जेनरस जो है वो क्यों लगा? क्योंकि उसने सारा दिन जो है वो कुछ भी नहीं था खाया, ना ही अपने लिए कोई टॉय लिया, बल्कि अपनी ग्रैनी के लिए जो है वो पेयर ऑफ टोंग लिया. ही वॉज मेच्योर. अब वो मेच्योर क्यों है? क्योंकि ही वॉज यंग, ही डिडेंट गेट टेम्प्टेड टू बाई एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ. उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया था. While his friend bought, जबकि उसके दोस्तों ने जो है वो अपने लिए खिलौने खरीदे थे. Question number 9. Do you think Hamid bought the tongs to impress his grandmother? Why do you think so? अच्छा, yes और no में answer करने के बाद आपने उसको explain भी करना है कि yes है तो क्यों है and no है तो क्यों है. तो आपने देखा है कि वो impress करने के लिए नहीं लाया था tongs उसने, बल्कि कंसर्न थी उसको ग्रैंड मदर से, इसलिए उसने जो है वो टोंग परचेज किया था. तो हम लिखेंगे नो, ही बॉट द टोंग बिकॉज ही वॉज जेन्युइनली वरीड अबाउट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड ही वॉन्टेड टू हेल्प हर. नाउ लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक हामिद डिड द राइट थिंग? व्हाट वुड यू डू यू हैव डन इफ यू हैड बीन इन सच अ सिचुएशन? अब ये आपके बारे में पूछा जा रहा है, इसका आंसर मैं तो नहीं दे सकती हूँ, ठीक है. तो हर कोई अपना अपना आंसर कॉपी पे लिखेगा और आफ्टर वेकेशन जो है वो मुझे चेक करवाएगा, ठीक है.